दोस्तों मैंने आपको सबसे मिला दिया, और जिसका नामकरण है उससे ही मिलाता हूँ आपको। ये हमारे हाय वेलकम, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अदर एपिसोड। और ये 2022 का पहला एपिसोड है। मैं माफी चाहूंगा कि इतने महीनों तक मैं गायब हो गया था। और नवांश हमारे गांव में आज तो क्या चीजें होने वाली है, क्या स्पेशल है, सब आपको बाद में दिखाई देगा। और पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे हमारा किचन बन रहा है। हमारे पास गैस वाला किचन तो था लेकिन आग वाला किचन नहीं था, मतलब प्रॉपर जो जगह होती है ना, जैसे बारिश आ जाए या कभी ठंड हो जाए तो हम जिसमें आग जला के एकदम आग ताप सके, और तो ऐसा किचन नहीं था। तो फिलहाल बन रहा है, काम चल रहा है। कल से जो काम वाले आएंगे या आज से जो काम वाले आएंगे उनको भी दिखाऊंगा मैं। फिलहाल मैं अभी पापा लोगों से मिलाता हूँ आपको। तो हमने ये किचन जब तक बनता है तो आग वाले किचन का यहाँ जुगाड़ बनाया हुआ है। तो ये हुआ हमारा दूसरा वाला किचन। यहाँ क्या बन रहे, भटके क्या बन रहे, भट्टी बन रही है। तो यहाँ पे भटके डुबू के बन रहे और पापा डाल रहे हैं इसको। तो जब तक मैं वहां जाऊंगा ना तो पापा लोग हमें खाना वाना बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि मेरा खाना तो उधर ही होगा। दरअसल होता है ऐसा है ना कि मेरे को आज नामकरण में बैठना है, मतलब जो लड़का हुआ है, लड़के के पिता और चाचा कोई नहीं है घर में, तो मैं ही हूँ उसका चाचा, जो तभी मेरे को भी बैठना पड़ेगा नामकरण में। और इसलिए मेरे को खाना वाना सब कुछ मना है, मैंने बस एक गिलास दूध पिया हुआ है और दूध पीने के बाद मैं मस्त चल रहा हूँ। तो बाद में जो भटके डुबू के है ना, मेरे तो बहुत फेवरेट है, वो मैं आने के बाद खाऊंगा। फिलहाल पापा लोग आज इसके मजे लेने वाले हैं अकेले जब तक मैं नामकरण से ना आ जाऊं। बाकी इधर देखो पूरा ऐसे बजरी रखा हुआ है, बजरी सारा इसी काम में आने वाला है। तो मैं जैसे आपको बता रहा था ना आग वाला किचन बन रहा है, तो देखो अभी एक रैक बना दिया इन्होंने, थोड़ी सी दीवार ऊपर को बन गई है। और दो दिन से तो बारिश हो रही लगातार, तो काम वाले नहीं आए थे, आज शायद आएंगे वो, क्योंकि आज भी शायद मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखो पूरा ऐसे ही है मौसम और वापस से बारिश शुरू हो गई है। तो मैं अभी अपने घर से निकल गया हूँ, इसी रोड ही रोड जाना है मुझे। ये मेरे पड़ोस वालों का घर है और मेरे दोस्त लोग तो इधर नहीं है, सब देहरादून में ही है, पर छोटे भाई बहन है वो लोग आए हुए हैं आजकल, क्योंकि जाड़ों की छुट्टियां ना, तो शाम को वो लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो शायद मैं आज उनसे मिला पाऊंगा आपको। यहाँ पे इनका बैडमिंटन कोर्ट है और मेरे को जाना है उधर, ये जो आपको हल्का हरा हरा दिखाई दे रहा है, यहाँ इस गले घर में जाना है मुझे, तो मेरे को इसी रोड से जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो आज व्लॉग शुरू करने की मेरी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं बहुत आलसी हो गया था और मेरे को लगा, मैंने देखा अपने चैनल पे तो मेरी लास्ट वीडियो एक महीने पुरानी है, तो मैं सोचा क्यों ना आज शुरू किया जाए, क्योंकि नामकरण भी है। और दूसरी वजह यह है कि जो जिनका नामकरण है तो उसके पिता, उसके चाचा, ज़्यादातर लोग भारी रहते हैं, तो मेरी वीडियोस की वजह से वो देख भी लेंगे कि क्या चल रहा है नामकरण में, क्या क्या हुआ। तो यही होता है ना एक माध्यम, तो यूट्यूब की वजह से फ़ायदा हो जाता है। देखो जो लोग मेरे गांव में, वैसे कुछ निमंत्रण वाले आए होंगे लेकिन कुछ जो नहीं आए हैं और उन लोगों को देख देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, शायद आप में से वो लोग होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा नामकरण का वीडियो। तो दोस्तों हमारे एक साथी मिल गए हैं, हमारे पप्पू जी, ये हमारे बड़े भाई हैं। मतलब आजकल कब आए आप घर? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। तो देखो मैं अपने कामों की वजह से, और मैं घर से कभी बाहर निकलता हूँ ना, तीन क्लास चलती है मेरी, अच्छा तो मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो आज देखो मेरे को ही बैठना है उधर। अच्छा इधर? हाँ मेरे को बैठना आज नामकरण में। तो हमारे दादू मिल के, तो दादू के साथ जाते हैं हम मस्त करके, और आधा रास्ता तो मैं अकेले आया, अभी ये मिल गए हमें। तो दोस्तों जिस घर में हमें जाना था हम फाइनली पहुंच गए हैं पप्पू जी के साथ हमारे। आपको बहुत बहुत बधाई है, आप अम्मा बन गई हो। हाँ दादी बन गई हो। तो देखो सब लग रही है, हमारे चाचा भी है तालमोल के, श्याम अंकल। श्याम अंकल तो पूरे एकदम पूरे ढके हुए ऊपर से नीचे तक, बढ़िया है। पंडित जी पहला, तो गांव में ऐसे काम निभाना पड़ता है ना, आपको सब लोग दिखाई देंगे। अगर आप मेरे गांव से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कौन कौन है और क्या है। और ताऊ जी बधाई हो आपको, बधाई आपको, आप तो दादाजी बन गए, बुबू बन गए। हाँ मेरे को ही बैठना है, अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो ये कह रहे कि मेरे को ही बैठना है उधर आज। तो अंदर की बात करें तो इन सब लोगों की क्लास चल रही है, चलो भाई लगो। हाँ करो करो। तुम लोग कितने बजे आए? आधा घंटा देखो सब लोग लग रही हैं, तो ऐसे ही होता है, मैं भी लगता हूँ इनके साथ, मैंने खूब वीडियो बना ली इनकी।
अब मेरे काम करने की बारी आ गई। तो दोस्तों आज पंडित जी और मेरी टीम है, मतलब पंडित जी तो नवान करेंगे और मुझे ही बैठना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले थे ना मेरा गजब हो गया, मेरी बिना शादी के मैं नवान में बैठ रहा हूँ, तो गजब सौभाग्य मिल गया ना मेरे। हाँ बिल्कुल। हाँ, और पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, लोग पीछे तैयारी में लगे हुए हैं। थोड़ा मैं भी गया था उधर और थोड़े आलू वाले छिले काटे। और ये क्यों नहीं, वो मतलब गोबर का बना दो। ये गणेश षोडश माती का, गणेश जी की पूजा होती है, शुरुआत गणेश जी की ही पूजा होती है पहले। जिनके लड़के का नामकरण है वो आपके क्या लगते हैं? मुझे नहीं पता। मामा है ना, तो ये इनके भांजे हैं जिनके मामा का तो बर्थडे है, छोटे मामा। छोटे मामा का बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे? बोलो उनको। पहले फोन में ही बोलो। यहाँ भी बोलो। क्यों बोले यार? यहाँ नहीं बोलोगे? देख रहे हैं आपको, आपको देख रहे हैं अभी। बोलो। नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं पी रहा था दूध और हमारे 10 लोग भी आ गए। क्या बात है। जय हो पूछ गया। चलो आते एक बार शुरुआत करनी पड़ती है। जय हो। चार चार लग गया तमारी बात ने। हाँ बुढ़िया। हाँ तो दोस्तों देखो अभी मैं अभी बच्चे की बड़ी बुढ़िया के दगाड़ो बुढ़िया मैं दगाड़ हूँ मैं, और अम्मा यहाँ बैठी हुई है देखो। तो सही है। अब तुम्हारे जो नाच तब इनका ले चाल। हाँ अभी वो लोग घर में नहीं है ना, जो बच्चे के पिता है और चाचा लोग है वो घर में नहीं है, तो अम्मा को भी देख लेंगे, नामकरण भी देख लिया, सब लोग देख लिया। तो दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ पर राई को ऐसे पीस रहे हैं सिलबट्टे में, और ये हमारी बुआ है। तो इस किस में जाएगा? रायते में जाएगा। रायते में जाएगा। और यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं। तो ठीक छो अम्मा, आम है मील, खूब बात करी, आम का खूब वीडियो दिखाई, अब मैं ले जाऊँ बता बुलाने का। तो आप लोग यहाँ पे करो। ग्रहण 10 मुस्कान ऐसे ऐसे 3 बार यानी कहानी परिक्रमा पापा। तो दोस्तों मेरा पहला ब्रेक मिल गया, 10 मिनट का ब्रेक मिल गया मुझे। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। तो दोस्तों अभी ब्रेक मिला हुआ है मुझे, तो अभी मैं किचन में आया हूँ, और यहाँ हमारी भाभी और बुआ, हमारी भाभी है तालमूल में रहती है, और कितनी सारी मस्त मस्त पूरी बन रही है गरम गरम। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आशा गोत्रस्य राजकुमार सिंह पुत्रस्य श्री नारायण सिंह नारायण सिंह कुमार बालकस्य नारायण सिंह नरेंद्र सिंह। तो दोस्तों नामकरण तो लगभग हो गया है, अब अंतिम चरण बचा हुआ है जिसमें अभिषेक होता है। तो सब लोग आ गए। तो दोस्तों मैंने आपको सबसे मिला दिया, और जिसका नामकरण है उससे ही मिलाता हूँ आपको। ये हमारे नजरिया हमारे नरेंद्र भाई साहब। अरे 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 और क्यों पे आमा तो लगड़े हमारे नवान पूरे गयो मींगे मा ऐसी ऐसी ये भी बहुत मजा। नहीं नहीं अनुभव ही नहीं, पहली बार। हाँ पहली बार जिंदगी। तो आप ऐसी जगहों पर आएंगे ना तो देखना ऐसे कुछ बाल टाइप के लटकाए होते,
तो अगर आपको पता है ना ये क्यों लटकाते तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी छोटी छोटी बहनें प्यारी बहनें जानना चाहती हैं, शर्म आ रही है भी, पर आप लोग बताना क्यों लगाते इसे। तो दोस्तों आज का तो हो गया है काम, अब मैं जा रहा हूँ सीधे घर की ओर। अभी भी कुछ लोग खा रहे हैं, मैंने तो खा लिया है, कुछ लोग ऐसे वेट कर रहे हैं, चलते हैं। साथ बहुत ही मज़ा आया, मेरा नया नया एक्सपीरियंस था और सब लोग ऐसे बधाई भी दे रहे थे तो हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी बहुत आया। टाइम कहाँ बैठी था? अच्छा खनिया रखा, तो दूर दूर गांव से भी आते लोग और खंड वाले है। हाँ हाँ चलो बहुत है बड़ी। अभी फिलहाल मैं घर जाऊंगा, इस वीडियो को एडिट करूंगा और आज तो मैंने कॉलेज में कोई क्लास नहीं ली क्योंकि मैं दिन भर यहीं बैठा हुआ था। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच गया और पता है कालू ना लिटरली कल शाम से बदा है, अभी तक शायद मम्मी लोगों ने घुमाया गाँव से तो थोड़ा सा घुमाया, और आप लोगों ने भी कालू को कितने समय से देखा नहीं होगा, पीछे से कैसा कर रहा है, अरे कलुड़िया कैसा है तू, कैसा कर रहा है पूरा, मतलब ना उसकी पूंछ ही पूंछ नहीं हो रही, पूरी कमर हिल रही है, पता है ऐसे से डोल रही है, कैसा है तूने मेरे को इतना मिस किया है रे कलुड़िया, कैसा है तू कैसा, अरे कलुड़ी अरे कलुड़ी इतना मिस किया तूने मुझे, पता है जो तेरे को देख रहे हैं उन लोगों ने तेरे को बहुत मिस किया, बहुत मिस कर रहे थे कलुड़िया को। तो दोस्तों मैंने कालू को खोल दिया है, कालू को देखो, ये कौन है, कौन हो तेरा, जैसे कौन है तेरा। तो कालू को खोला मैंने और बेचारे यहाँ से नीचे को देख रहे हैं चोर सा, क्योंकि नीचे बारिश आ रही ना कहीं जा नहीं सकता है, मैंने सोचा इसको घुमाएंगे तो बेचारे कलुड़ू की तो बहुत किस्मत खराब है। तो गाइस मैं ज्यादा मस्ती नहीं करता हूँ, आप लोगों को बाय बोलता हूँ और ये आज का एपिसोड था, आई होप आपको पसंद आया होगा और 2022 का ये पहला एपिसोड था, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, आपके जो भी सपने हैं वो धीरे धीरे पूरे होते रहे और सबसे जरूरी बात आप अपने सपनों पर काम करते रह पाए, क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तो सपने पूरे कैसे होंगे। और मेरा थोड़ा गला बैठा है तो मैं शायद इसके बाद कहीं बाहर नहीं निकलूंगा व्लॉग बनाने के लिए। और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपको आज का कोड बताता हूँ, आज का कोड है 2, क्योंकि 2022 चल रहा है ना तो 2 है, तो आप लोग बस कमेंट में 2 लिखिए, मैं समझ जाऊंगा अभी तक देख रहे हैं। और फिलहाल नए एपिसोड में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। और तुम लोगों का नाम क्या है? मिताली। चलो सब लोग पहले इसके मामा को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, ठीक है? 1 2 3 बोलो हैप्पी बर्थडे मामा।